Exceptional children, exception, everybody has exception, but what are these exceptional children? As uh, we know, that everybody has differences of uh, personality, and uh, everybody is different from uh, uh, the other person, and they have different kinds of uh, differences differences in intelligence, differences in their personality types, differences in their liking and disliking. सो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो है ये क्या आसन में ख़ास बात है कि हम इनको डिफरेंट चिल्ड्रन नहीं कह रहे हम इनको एक्सेप्शनल कह रहे हैं तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब ये है कि वो बच्चे जो कि किसी खास एक्सेप्शन की बेस पे उनको डील करने के लिए ख़ास इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़े ख़ास प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़े ख़ास इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़े तो इनको हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं कि ये आम बच्चों से मुख्तलिफ़ बच्चे हैं सो so, आम बच्चे जो कि एवरेज बच्चे हैं इंटेलिजेंट एंड स्लो लर्नर्स सारे हम मिक्स करके क्लास में जब पढ़ाते हैं तो इनके अंदर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में ऐसी क्या ख़ास एक्सेप्शन है और किन बच्चों को हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं तो वो बच्चे सबसे पहले जैसे जो कि अपने पीयर्स से और अपनी एज फैलोज से इस तरह से डिफरेंट हों कि उनको डील करने के लिए हमें ख़ास किस्म की एटीट्यूड की खास किस्म की इंस्ट्रक्शन खास किस्म की टीचिंग मैथडोलॉजी खास किस्म का क्लास रूम इन्वायरमेंट और खास किस्म की जो है वो एकमेंट्स uh, जो हैं या इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो यूज़ करने पड़े तो ऐसे बच्चों को हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं और uh, इन बच्चे ये जो हैं टू टू सेवन परसेंट जो है एवरेज पापोलेशन का ये कंस्टिट्यूट करते हैं और इन बच्चों को जो है हम कह सकते हैं कि दे आर मोर निगलैक्टेड क्योंकि हमारी जैसे हम डेवलपिंग कंट्री में हैं शुमार होता है पाकिस्तान का और जो डिवेलप कंट्रीज़ हैं उनके पास तो रिसोर्स होते हैं कि वो इन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को जो है वो अलग स्कूल्स में या अलग इनके लिए अरेंजमेंट्स करके इनको डील कर सकते हैं लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में जो है वो एजुकेशन के ऊपर इतना जो है वो बजट फिक्स नहीं होता पहले ऑलरेडी आम एजुकेशन आम बच्चों के लिए तो इन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए अरेंजमेंट्स करना जो है वो हमारे लिए मुश्किल है तो फिर हम इन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को जो है वो किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं या किस तरह से इनको ट्रीट कर सकते हैं ये सवाल है कि ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जब हम ये बात कर रहे हैं कि इनको डील करने के लिए हमें ख़ास किस्म की इन्वायरमेंट और ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है तो अब टीचर्स जो हैं इसका मतलब है कि सबसे पहले तो टीचर्स को ट्रेन किया जाए कि वो इन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को किस तरह से टीच कर सकते हैं सबसे पहले टीच करने से पहले भी पहले इन बच्चों का डायग्नोस जो है वो किस तरह से हो कि कौन सा बच्चा जो है वो एक्सेप्शनल है अदरवाइज़ ये बच्चों की अगर तो पॉजिटिव एक्सेप्शन है तो फिर ये इनकी एबिलिटीज़ जो हैं वो निगलेक्ट होकर ज़ाया हो जाएंगी और वो बच्चे जिनकी बिलो एवरेज इंटेलिजेंस होने की वजह से वो एक्सेप्शनल कहलाते हैं तो वो आम बच्चों के साथ चुके तालीम जारी नहीं रख सकते जिसकी वजह से वो वाली पर्सनलिटीज़ भी इग्नोर हो जाएँगी और वो वाली पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनको भी एजुकेशन जो है वो प्रॉपर हम नहीं दे सकते इसलिए एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को डायग्नोज करने के लिए दुनिया में बहुत सारे जो हैं स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग जो है वो की गई उसको इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि उन टेस्ट की मदद से हम एक्यूरेटली जो है इन बच्चों को डायग्नोस कर सकें और पाकिस्तान में भी इंडिजिनस टेस्ट बनाए गए हैं लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है उन टेस्ट की बल्कि हम भी बोरो करते हैं या फिर हम बाय करते हैं वो तमाम इंटरनेशनल टेस्ट जो कि इन बच्चों को डायग्नोस करने के लिए बनाए गए हैं तो ये टेस्ट जो कॉस्टली होते हैं तो हमारे जो है बजट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका बोझ पड़ता है जिसकी वजह से हम हर इंस्टीट्यूट में इन टेस्टों की प्रो जो प्रोविजन है वो मुमकिन नहीं बना सकते तो उसका फिर रिजल्ट ये होता है कि ये बच्चे जो हैं हर जगह पे पाए जाते हैं तो हर स्कूल पब्लिक हो या प्राइवेट हो तो जब हमारे पास रिसोर्स ही नहीं होंगे जब हमारे पास टेस्टिंग सर्विस ही नहीं होगी तो फिर हम इन बच्चों को किस तरह से डायग्नोस करके करेंगे जब डायग्नोस नहीं होंगे तो फिर हम किस तरह से तमाम स्पेशल अरेंजमेंट्स जो है वो इनके लिए बना सकते हैं तो ये हमारे कंट्री के कुछ इस तरह के मसाइल हैं जिससे हमें गुजरना पड़ता है और इन मसाइल की वजह से इन बच्चों को प्रॉपरली जो है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आम बच्चों की नस्बत और बाजुकात हम हमेशा जो है वो इनकी इनको रॉन्ग जो है इनका डायग्नोज होता है बाजुकात जैसे बच्चों की टाइप्स जो हैं अगर हम बात उनकी करें एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की तो हम एक स्लो और लेज़ी बच्चे को देख के ये कह सकते हैं कि ये तो बड़ा स्लो लर्नर है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो स्लो लर्नर जो है वो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से हो बल्कि अगर हम प्रॉपर टेस्टिंग यूज़ करें तो हमें पता चले कि वो तो इंटेलिजेंस के लिहाज से बहुत सुपीरियर है लेकिन हमारे इन्वामेंट की वजह से जो है इग्नोर होने की वजह से उसकी जो स्लगिशनेस है वो नज़र आ रही है तो ये हम उसको स्लो लर्नर के तौर पर अगर ट्रीट करते रहेंगे तो सारी एजुकेशन जो वो हासिल करेगा वो उसकी सेल्फ़ इस्टीम जो है वो हाई नहीं होगी और रॉन्ग जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी वजह से वो बच्चा जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा तो ज़रूरत इस समर की है कि इन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की डायग्नोस करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेस्टिंग सर्विस होनी चाहिए और हमारे पास जो है वो अगर हम इंटरनेशनल टेस्ट जो हैं स्टैंडर्डाइज वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारे मुल्क में इंडिजनस जो टेस्टिंग है लोकल टेस्टिंग जो है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए और उसके ऊपर जो है वो रिसर्च जो हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए और उनके काम को बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए बिकॉज दिस इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू फोकस ऑन दिस इशू एंड वी नीड टू यू नो प्रॉपरली डायग्नोज और आइडेंटिफाई दिस चिल्ड्रन देन वी कैन मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर दैम